Hello students, and welcome to this video. Students, as has been explained to you by me in the previous videos about indefinite article a or n, उसी श्रृंखला को students आज मैं आगे बढ़ाता हूँ और a और n articles को किस प्रकार हम easiest way में सीख सकते हैं उसके बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा. स्टूडेंट, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक आकृति देख रहे होंगे, ये है हमारी वो हिमालय की श्रृंखला. इसके माध्यम से आज मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के बारे में बताऊंगा कि कहां पर आपको ए लगाना है और कहां पर आपको एन. सबसे पहले आज हम ये इसका एक बेसिक रूल सबसे पहले सीखते हैं कि कहां पर हमें ए और कहां पर हमें एन लगाना होता है. एक जनरल रूल स्टूडेंट्स कहता है कि जहां भी वॉयल साउंड आती है वहां पर हमें एन लगाना चाहिए और जहां पर भी हमें कंसोनेंट साउंड मिलती है वहां पर हमें ए का यूज करना ही चाहिए. पर इस रूल से थोड़ा और आगे जाते हुए एक कॉन्सेप्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा और वो कॉन्सेप्ट है हिंदी के ये तीन लेटर का. हिंदी के स्टूडेंट्स ये तीन लेटर हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी. ये तीन लेटर हैं ए, ए और ई. किसी भी वर्ड को स्टूडेंट अगर आपको ए और एन प्लेस करने हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और आपको प्रॉब्लम है कि यहां पर ए आएगा या एन आएगा, उस वर्ड को आप हिंदी में लिख करके देखिए. यदि उस वर्ड की बिगनिंग ऐसे होती है, ए से होती है या ई से होती है, तो समझ लीजिए आपको इंडेफिनिट आर्टिकल वहां पर एन लगाना है. बाकी के लिए आपको ए आर्टिकल जो होगा यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए प्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको एक एब्रीवेटेड फॉर्म एम में दी है, क्योंकि इस प्रकार की एब्रीवेटेड फॉर्म जनरली हमारे एसएससी के जो सीजीएल और प्लस टू के कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पूछी जाती है. अगर आपको एम में दिया है और आपसे पूछा है कि कौन सा आर्टिकल आपको प्लेस करना है, तो सबसे पहले ये जो एम दिया है आप इसे लिख के देखें. अगर मैं इसे एम को ये लिखता हूं तो ये अम है, पर अगर मैं यहां पर ये मात्रा लगा देता हूं तो ये एम हो जाता है. या फिर अगर हम बात कर लेते हैं आउल की, बात कर लेते हैं, मैं आउल लिखता हूं तो मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगा आउल को. यहां पे देखिए स्टूडेंट्स ए आया, यहां पर ए आया और इस वजह से दोनों ही जगह मुझे इंडेफिनिट आर्टिकल एन लगाना होगा. तो हर वर्ड को आपको लिख करके देखना है. यदि ये तीन वर्ड आपके आते हैं और इसके एक्सेप्ट अगर कोई और भी आता है, मान लीजिए एक हम वर्ड ले लेते हैं यूरोपियन ले लेते हैं. अब मैं एक वर्ड ले लेता हूं यहां पर यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई ए एन. यूरोपियन वर्ड को आप लिख के देखिए स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे यू रो पी यन यूरोपियन. आपने यूरोपियन लिखा तो यह आया और यह जो है वो एक कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, तो आप यूरोपियन से पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे. तो ये इस बेसिक रूल को फॉलो करना है. अब स्टूडेंट्स आकृति के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पहाड़ है, ये हमारी हिमालय श्रृंखला है, इसका आपको सफर तय करना है. बॉटम से शुरू होकर के आपके तीन पड़ाव है. ये एक छोटा सा गेम मैंने आपके लिए बनाया है. यहां पर देखिए आप शुरू करेंगे फर्स्ट से, आपको यहां पर ए और एन प्लेस करने जाते करने हैं, सबको लिखना है और फिर आप पहुंचेंगे एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है कंचनजंगा. देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कंचनजंगा पे पहुंच जाएंगे जब आप फाइव आर्टिकल्स को सही कर लेंगे. उसके बाद आपको के टू तक का सफर करना है और ये सिक्स और सेवन को फिलअप करना है. ए और एन इनके में जो टिपिकल है थोड़े से उनको मैं प्रनाउंस करके बता देता हूं. ये वर्ड है ओ और ये वर्ड है आय, ये वर्ड क्या प्रोनाउंसिएशन है इसको ध्यान से करें. के टू पे पहुंचने के बाद आपका सफर तय होगा. एट नाइन और टेन फिलअप करने हैं आपको, ए और एन ही भरना है इनमें. बट माउंट एवरेस्ट पर आप केयरफुल रहें क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जो टेन है दिस इज द टफेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑल द फिलअप्स, दिस इज द टफेस्ट वन ऑफ ऑल. यहां पर आपको मैंने अल्टरनेट्स दिए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान से कि ए एन और द और या फिर कोई आर्टिकल नहीं. देखिए माउंट एवरेस्ट पर आप पहुंचेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी लेवल भी आपका होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स आपको इनमें से यानी कि कोई आर्टिकल नहीं, ये थीटा का मतलब है कोई आर्टिकल नहीं, या तो ए एन और द में से आप इन चार में से एक को भरना है.
और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि ये वीडियो मैं अब लीव कर रहा हूं कम से कम एक मिनट के लिए, एक मिनट में आपको ये भरना है। और स्टूडेंट्स अगर आपको एक मिनट वीडियो छोड़ने में फटाफट भरने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी इन्हें फिलअप्स को अपनी नोटबुक में भर सकते हैं और इसके एक मिनट बाद ही मैं दोबारा वीडियो में आऊंगा और आपको इन सब के करेक्ट आंसर्स बताऊंगा। और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, एक्सपेक्ट यू टू पुट इन द कमेंट बॉक्स द स्कोर यू हैव अचीव्ड ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक दिस गेम इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दिस क्लाइंबिंग। अब मैं आप वीडियो छोड़ रहा हूं, एक मिनट बाद में आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। आई एम बैक अगेन स्टूडेंट्स और अब मैं आपको सभी फिलिप्स के सॉल्यूशन देने शुरू करता हूँ। फर्स्ट लेटर देखिए स्टूडेंट्स ओ, ये बोला जाएगा ओ और ओ को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा ओ करके, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आर्टिकल प्लेस करूंगा एन। एल एल बी को देखिए स्टूडेंट्स, अगर एल एल बी को लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखूंगा मैं एल, तो यहाँ पर भी आर्टिकल जो आएगा वो एन आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बर्ड, बर्ड में बे आएगा स्टूडेंट्स, तो बे के लिए मैं यहाँ पे रखूंगा आर्टिकल ए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट को जब मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा ऑनेस्ट, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स एन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पे वन आइड मैन, वन को मैं जब लिखूंगा हिंदी में तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा वन, तो यहां पर भी मैं आर्टिकल ए प्लेस करूंगा, इंटरनेट आर्टिकल ए आएगा। यहाँ का सफर करते करते हम यूनिवर्सिटी पे पहुंच गए हैं, सिक्स में यूनिवर्सिटी दी है स्टूडेंट, लिखते देखिए यूनिवर्सिटी यह आ गया, यह कंसोनेंट होता है इस वजह से मैं यहाँ पे ए प्लेस करूंगा। नेक्स्ट हम पहुंच गए ए, इसे ए बोलेंगे, उत्तराधिकारी को कहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके में भी हम प्लेस करेंगे इंटरनेट आर्टिकल एन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एट, यहाँ पर दिया हुआ है एस पी, एस पी को आप जब लिखेंगे हिंदी में तो आप ये लिखेंगे कुछ इस तरीके से, फिर अगेन स्टूडेंट्स ए आ गया तो यहाँ पर भी आर्टिकल एन। यहाँ पर एक स्टूडेंट फ्रेज दिया है ये हरी है और हरी से पहले लगाना है, तो हरी को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा और एच जो होता है मेरा वो कंसोनेंट साउंड होती है, तो यहाँ पर मैं इन हरी होगा। और लास्ट आया है स्टूडेंट एवरेस्ट पे पहुंचने का अंतिम जो फिलअप आया है, यहाँ पर एवरेस्ट दिया है और एवरेस्ट से पहले ए या फिर कोई आर्टिकल नहीं, एन और दा में स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो पीक्स होती हैं उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा भी नहीं लगाते, ए भी नहीं आता, एन भी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आर्टिकल छोड़ ही दूंगा, तो यहाँ पर आर्टिकल मैं कोई भी नहीं लगाऊंगा। आपको लग रहा है एन एवरेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट, बट एन एवरेस्ट नहीं होगा, मैं फिलहाल यहाँ पर आर्टिकल प्लेस नहीं करूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बट बिफोर आई लीव स्टूडेंट आई अगेन मेक अ रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिसाइड्स
liking and subscribing my channel. That's all in this video. We will meet in the next one with more information and more techniques about definite and indefinite articles. Thank you, students.